कल हम लोगों ने लेखन कौशल में पत्र लेखन का प्रारूप डिस्कस किया था और हमने डिस्कशन की थी कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिन पर जिनको ध्यान में रखें, रूब्रिक्स बेसिकली हम इनको कहते हैं, कौन कौन से रूब्रिक्स होते हैं जिन पर बेस्ड हमें पत्र या अनुच्छेद या संवाद लिखना होता है। ओके, और मैंने ग्रुप में मैसेज भी डाला था, आपको एक पत्र कहा था कि आपको ये होमवर्क है, आपको ये पत्र लिखना है। रेज योर हैंड्स, किस किस ने पत्र लिखा है? रेज योर हैंड्स, किस किस ने पत्र लिखा है? वन हैंड, ओनली वन। टू, रमनीक एंड कीर्तिमान, बाकी लोग। पत्र भेजा था मैंने, हेडिंग तीन। ओके, रमनीक, कीर्तिमा, पनिका, बाकी सब। हमारी 26 की क्लास है जिसमें से हम 13 लोग प्रेजेंट होते हैं, 50% प्रेजेंट इज देयर, 50% अटेंडेंस है वहां पर। ओके, टू मोर आर देयर, और हम काम नहीं करते हैं। चार लोगों ने काम किया है बस, बाकी सब। हरमीत, आप पढ़ेंगी, आपने क्या लिखा है? आई वॉन्ट टू लिसन। लिखा होगा, काम किया होगा, होमवर्क मिला था। बताइए हरमीत, क्या लिखा है? क्वेश्चन क्या था हरमीत? रीड द क्वेश्चन। हरमीत, क्वेश्चन रीड कीजिए। मैंने आप लोगों से कल भी कहा था, आप कहते हैं मैम मार्क्स नहीं आते हिंदी में, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप काम नहीं करेंगे, मार्क्स नहीं आएंगे। कल भी आप लोगों से यही डिस्कशन हुई थी, जब तक आप राइटिंग स्किल को राइटिंग में नहीं लेकर आएंगे, रिटर्न में नहीं लेकर आएंगे, तब तक मार्क्स नहीं आएंगे, गलतियां ही नहीं निकलेंगी। एंड इट इज रियली सैड एंड बैड कि आप लोगों ने काम नहीं किया हुआ। आई विल बी कॉलिंग योर पेरेंट्स, जस्ट चेक देयर नोटबुक्स एंड चेक द मैसेजेस। सिर्फ 3 लोगों के हाथ खड़े हैं कि हमने काम किया है बस। इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। डेली में आप लोगों को बोलूं कि पीडीएफ बनाकर मुझे इतने बजे तक काम करके मुझे भेजो? डू यू वॉन्ट दिस थिंग? आपका क्वेश्चन था कि छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने वाली अपनी छोटी बहन को फैशन और बनाव श्रृंगार में व्यर्थ समय ना गंवाने की सलाह देते हुए पत्र लिखे। आपकी छोटी बहन है जो छात्रावास में रहती है, आपने उसको बताना था कि फैशन और बनाव श्रृंगार में ज्यादा समय ना गवाए, उसके लिए आपको उसको पत्र लिखना है। युवा, पढ़िए क्या लिखा है आपने बेटा। यस मैम, मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ तथा आशा करती हूँ कि तुम भी कुशल हो। मुझे कल ही तुम्हारी सहेली रावी से पता चला कि आजकल तुम्हारा ध्यान बनाव श्रृंगार की तरफ ज्यादा है और पढ़ाई की तरफ कम। ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। तुम्हारा ध्यान फैशन और सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा है। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। इवा, इवा लिसन, क्वेश्चन में सोशल मीडिया की बात हुई या फैशन और बनाव श्रृंगार की बात हुई? जब आप ये कहेंगे कि आजकल तुम्हारा ध्यान फैशन में और बनाव श्रृंगार में ज्यादा है, तो आप उसे थोड़ी बात करने के बाद उसको कह सकते हैं कि मैंने ध्यान दिया है कि तुम सोशल मीडिया की ओर बहुत ज्यादा ध्यान देती हो, वहीं से प्रेरित होकर तुम यह सब कर रही हो, तब हम ये लिखेंगे। पहले हम अपने क्वेश्चन पर बेस्ड आंसर लिखेंगे। ओके, चलिए आगे। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम पढ़ाई की तरफ बिल्कुल नहीं
तुम पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रही, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि जिस चीज की आवश्यकता है हमें पहले वो चीज करनी चाहिए। जैसे इस समय तुम्हें पढ़ाई की ज्यादा आवश्यकता है, अगर तुम्हारे पास अतिरिक्त समय है तो तुम उसे नई किताबें पढ़ने में एवं खेल में व्यतीत कर सकती हो। मैं आशा करती हूँ कि तुम मेरी बातों पर जरूर ध्यान दोगी एवं इनका पालन करोगी। अपना ध्यान रखना, तुम्हारी बहन। आपने दो शब्द बोले इसमें, एक वो और एक ज्यादा। अगर आप बोलेंगे यही तो आप लिखेंगे भी यही। वो चीजें नहीं वे चीजें, और चीजें नहीं है काम है। वे काम करो जो तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। चीजें नहीं, पढ़ाई चीज नहीं है, पढ़ाई काम है। ओके ओके। और ज्यादा नहीं ज्यादा, आप जो बोलेंगे वही लिखेंगे। ज्यादा नहीं ज्यादा, अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो आप ज्यादा ही लिखेंगे। क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस रमनी। यस मैम। हम सब यहाँ पर खुशल हैं, आशा है कि तुम भी ठीक होगी। कल ही पिताजी का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने तुम्हारे बारे में बताया। प्राप्त नहीं है, अगर आप प्राप्त बोलती हैं तो प्राप्त लिखेंगी। प्राप्त हुआ जी। उन्होंने तुम्हारे बारे में जानकारी देते हुए बहुत ही निराशा प्रकट की है। तुम आजकल पढ़ाई लिखाई में ध्यान ना लगाकर फैशन में ध्यान देने लगी। हो सकता है कि तुम्हारा मन बनाव श्रृंगार में अधिक रमता हो, लेकिन पिताजी की आमदनी इतनी अधिक नहीं है कि महीने में दो बार हम लोगों को नए कपड़े खरीद के दे सके। कपड़े पुराने भी साफ सफाई करके पहने जा सकते हैं। बाजार में महंगे कॉस्मेटिक सामान ना खरीद कर कम दाम के सामान खरीदे जा सकते हैं। अतः बेकार के पैसे ना बर्बाद करने में भी तुम्हारी भलाई है। मेरी सलाह यही है कि तुम इन बेकार के बनाव शिकार के पीछे समय ना बर्बाद करके अपना समय पढ़ाई लिखाई में लगाओ। यदि तुम परीक्षा में अच्छे अंक लाओगी तो जीवन उज्जवल होगा। बाकी बातें मिलने पर करेंगे। मेरी तरफ से माता जी और पिताजी को नमस्ते। तुम्हारी आपने कुछ एक शब्द बोले हैं, आपने रमनीत कुछ एक शब्द बोले हैं, खरीद के नहीं होता है, खरीद कर। खरीद कर, ठीक है। दूसरा शब्द आपने बोला कॉस्मेटिक, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, हमें भाषा का भी ध्यान रखना है। इसके लिए जब हमें बहुत ही कोई ऐसा शब्द हम लिखने जा रहे हैं जिसके लिए हिंदी में कोई शब्द ही उपलब्ध नहीं है, तब हमें ये शब्द लिखना है कॉस्मेटिक, स्पेलिंग गलत हो जाएंगे। बनाव श्रृंगार वहां पर दे रखा है, शब्द लिख रखा है, उसी को उठाओ। बनाव श्रृंगार का सामान खरीदने में अधिक पैसे बर्बाद मत करो, ठीक है। कॉस्मेटिक्स लिखने के बजाय वही शब्द उठाओ जो उसमें लिखा है, आपकी भाषा भी अच्छी होगी, शब्द का भी अच्छे से प्रयोग होगा, ठीक है। दूसरी बात आपने कही बेकार के पैसे ना कमाते हुए, पिताजी बेकार के पैसे कमाते हैं, लाइन क्या बनेगी? बेकार के पैसे मत कमाते हुए या पैसे बेकार ना करते हुए। बेकार के पैसे ना गवाते हुए शब्द नहीं है, ये लाइन नहीं है। हमें अपने शब्दों का चयन अपने सेंटेंस फॉर्मेशन में लगता है। मैंने तो बिल्कुल ठीक लिखा था, कल रिधिमा यही बात कर रही थी कि मैम मैंने लिखा ठीक था, सब कुछ ठीक था, पर मैम ने बोला सेंटेंस फॉर्मेशन में गड़बड़ है। तो ये बहुत बड़ी गलती है सेंटेंस फॉर्मेशन में, बेकार के पैसे ना गवाते हुए, ये गलत है। पैसे बेकार ना करते हुए पढ़ाई की ओर ध्यान दो, ठीक है। बाकी ठीक लिखा आपने। हाँ जी पनिका, आप बताइए क्या लिखा आपने। यस मैम, हम यहाँ ठीक हैं। आशा करती हूँ कि तुम भी कुशल होगी। आज मैं बहुत जरूरी विषय पर तुमसे बात करना चाहती हूँ। तुम छात्रावास में रहती हो, वहाँ कई प्रकार की छात्राएं रहती हैं। अक्सर लड़कियां अपने बनाव श्रृंगार में अपना समय व्यतीत करती हैं। हर लड़की यही चाहती है कि वह अधिक से अधिक सुंदर दिखाई दे।
यह स्वाभाविक है, पर सारा ध्यान इसी पर केंद्रित करना उचित नहीं है। तुम अपने आप को पूर्ण स्वस्थ और चुस्त दिखाने का प्रयास करो। स्वस्थ और निरोगी शरीर ही उत्तम श्रृंगार है, इसलिए श्रृंगार में अधिक समय बर्बाद मत करो, अपना अधिक समय पढ़ने में लगाओ, यही उचित है। आशा है कि तुम मेरी इन बातों पर ध्यान जरूर दोगी, अपना ध्यान रखना। ओके गुड बनिका, लेकिन आपने सीधा ही ये बात शुरू की कि मैं आज तुम पर एक जरूरी विषय पर बात करना चाहती हूँ। आपको कैसे पता चला कि उस संबंधी उससे बात करना जरूरी है? उसकी कुछ भूमिका बनाइए कि मुझे माताजी से पता चला या मुझे तुम्हारी मित्र से पता चला है कि तुम बनाव श्रृंगार में समय व्यतीत करने लगी हो, इसीलिए मैं इस विषय को बहुत ही जरूरी समझती हूँ कि तुमसे इस संबंधी बात करूं, इसलिए तुम्हें यह पत्र लिख रही हूँ। मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि ठीक है, इस तरह से उसको शुरू कीजिएगा। हाँ जी योग बताइए बेटा। मैं भी ये पत्र तो हॉलीडेज होमवर्क में भी मिला था। कोई बात नहीं, बनाव श्रृंगार क्या हुआ? हाँ जी तो मैंने तब लिखा था, वो सुना देता हूँ। कोई बात नहीं बताओ मैम, पर उसमें ना क्वेश्चन में छात्रावास नहीं दिया हुआ था। कोई बात नहीं लिखो, बताओ क्या लिखा आपने, पढ़ो। मैं पढ़ रहा हूँ। मैं यहाँ ठीक हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि तुम भी ठीक हो। आशा है कि मेरी सुंदर बहन का महाविद्यालय अच्छा चल रहा है, पर आजकल सुनने में आया है कि ज्ञान पर नहीं रूप पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अधिक समय बनाव श्रृंगार पर नष्ट करना बिल्कुल गलत है। ये कृत्रिम चीजें कुछ देर के लिए ही अच्छी लगती हैं, इसलिए अपना समय नष्ट मत करो और पढ़ लिख कर कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा समय नहीं तुम्हारा दौर आए और तुम कुछ और तुम अपनी अपनी और तुम्हारा जीवन सफल हो और तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा रूप बने। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा भाई डैश 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 नाम। ओके अच्छा लिखा है, लेकिन आपने दुआएं शब्द आपने बहुत ज्यादा यूज किया। अगर आपने ध्यान दिया हो, दुआएं शब्द बहुत ही ज्यादा आपने यूज किया है उसमें, ठीक है? यस मैम। तो उसको थोड़ा सा ठीक करो। और बहुत सारे लोगों ने हॉलीडेज होमवर्क मुझे भेजा लेकिन हाथ ही खड़ा नहीं किया। गुड क्लैप फॉर योग जिसने आपको ये याद दिलाया है कि आप हॉलीडेज होमवर्क में भी ये काम करके भेज चुके हैं। ये पत्र जानबूझकर आप लोगों को घर से करने के लिए दिया गया ताकि आपको पता चले कि आपने क्या किया है नहीं किया है। प्लीज आप ये काम करके मुझे भेज चुके हैं या तो इधर उधर से ऐसे ही कर लिया, हमें ध्यान ही नहीं है कि हमने क्या किया है और नहीं किया है। हाँ जी हरमीत। हाँ जी हम सब यहाँ पर कुशल मंगल है, आशा है कि तुम भी ठीक होगी। आगे मैं तुम्हें इस पत्र के माध्यम से बनाव श्रृंगार पर अधिक समय ना व्यर्थ करते हुए उसे पढ़ाई तथा अन्य कार्यों में लगाने की राय देती हूँ। याद रखना, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए तुम्हें इसका उपयोग पढ़ाई में करना चाहिए। मुझे यहाँ ये जानकर दुख हुआ है कि तुम अपना अधिकांश समय पढ़ाई की जगह गलत चीजों में बर्बाद कर रही हो तथा तुम गलत संगत में पड़ चुकी हो, जिससे माता पिता भी बहुत परेशान हैं। सबका भला इसी में ही है कि तुम जल्दी संभल जाओ और अपने लक्ष्य की ओर अपना ध्यान लगाओ। सबको तुमसे बड़ी आशाएं हैं तथा उन्हें निराश मत करो, क्योंकि एक बार जो समय चले गया तो पछतावे के अलावा तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। घर में सबको यथा योग्य कहना। ओके आपने दो शब्द यूज किए हैं, एक तो समा और एक सुंदर। ये दोनों ही पंजाबी के शब्द हैं। हिंदी में होता है समय और संगत पंजाबी में है। सुना था मैं बोल रही हूँ, खत्म हुई है।
हरमी पीछे थोड़ा शोर कम करवाइए। आपने समा और संगत शब्द यूज किया, समा नहीं समय है, संगत नहीं संगति है, संगति। ओके, इसके बाद जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो ये है, जो मैं चाहती हूँ किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए थोड़ी अच्छी शब्दावली के साथ पढ़ने जा रही हूँ। हम सब यहाँ पर कुशल हैं, आशा है कि तुम भी ठीक होगी। इस समय तो तुम परीक्षा की तैयारी में लगी होगी, क्योंकि परीक्षाओं में अधिक समय नहीं रह गया है। पिछली परीक्षा में तुम कुछ खास नहीं कर पाई, और जब तुम परीक्षाओं के बाद घर आई थी तब मैंने ध्यान दिया था कि तुम्हारे परिधानों और बनाव श्रृंगार में काफी बदलाव आ गया है। तुम्हारी रुचि फैशन की ओर बढ़ती जा रही है। कपड़े अच्छे कपड़े पहनना और सुंदर दिखना बुरी बात नहीं है, किंतु जरूरत से ज्यादा इन बातों की ओर ध्यान देना बुरा है। तुम्हारे जीवन का यह समय विद्या प्राप्त करने का है, इसलिए तुम्हें पूरी लगन के साथ पढ़ाई की ओर ध्यान देना चाहिए। यदि एक बार समय हाथ से निकल गया और तुमने फैशन और दिखावे में इसे गंवा दिया तो बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। फैशन और दिखावे की होड़ में व्यक्ति अंधा हो जाता है, खर्च करने लगता है और अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए गलत काम भी करने से पीछे नहीं हटता। तुम समझदार लड़की हो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। ऐसी सहेलियों से दूर रहो जो केवल फैशन और बनाव श्रृंगार को ही अपनी पहचान समझती हैं, बल्कि ऐसी लड़कियों को अपनी सहेली बनाओ जो तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारी सहायता कर सके। आशा है कि तुम मेरी बातों की ओर ध्यान दोगी और अगली बार निराश नहीं करोगी। पत्र लिखने वाली तुम्हारी बहन डैश नाम डैश पता। क्लियर? आप सबने ठीक लिखा है, थॉट्स सबके ठीक हैं, अच्छे हैं, लेकिन कहीं पर जहां लगता है कि मुझे शब्द समझ नहीं आ रहा या मुझे स्पेलिंग समझ में नहीं आ रहे, पूछ लो कि मैम यहाँ पर क्या लिखा जाना चाहिए, क्या होना चाहिए। ओके, आप लोगों को एक और पत्र लिखने के लिए दिया गया था। अर्शप्रीत, क्या हेडिंग थी उस पत्र की छुट्टियों में जो दिया था? यस मैम, ग्रीष्मावकाश में आपके मित्र ने आपको पर्वतीय प्रदेश की सैर करवाई, इसके लिए धन्यवाद करते हुए मित्र को पत्र लिखिए। हाँ, आप अक्सर ये पत्र पहले करते आए हैं कि पर्वतीय प्रदेश पर एक साथ समय बिताने के लिए, ग्रीष्मावकाश में एक साथ जाने के लिए मित्र को पत्र लिखिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज था कि ग्रीष्मावकाश में आपके मित्र ने आपको पर्वतीय प्रदेश की सैर करवाई, उसके लिए उसका धन्यवाद करते हुए पत्र लिखे। क्या लिखेंगे? अश्वित पढ़िए, आपने क्या लिखा? पढ़िए बेटा। यस मैम, हम सब यहाँ पर कुशल हैं और आशा है कि तुम भी ठीक होगे। मैं कल ही नैनीताल से घर वापस दिल्ली आ गई थी। मुझे तुम्हारे साथ वे 4 दिन बिताकर बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों से पर्वतीय प्रदेश घूमने के लिए जाना चाहती थी और तुमने मेरी यह इच्छा पूरी कर दी। मुझे वे 4 बेटा आप म्यूट हो गई हैं। यस मैम, मुझे वे 4 दिन कभी नहीं भूलेंगे। तुम मुझे बहुत सारी जगहों पर भी लेकर गई और हर सुविधा भी दी मुझे। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अपने घर में नहीं हूँ।
मैं तुम्हारी बहुत बहुत आभारी हूँ, घर में सबको यथा योग्य कहना। ओके गुड गुड। हाँ जी आर्यन पढ़िए, आपने क्या लिखा? हम सब यहाँ पर कुशल मंगल हैं और आशा करते हैं कि यह है कि जून की भीषण गर्मी में ये प्रदेश। आर्यन आपकी आवाज क्लियर नहीं है बेटा, प्लीज दोबारा से बोलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हम सब यहाँ पर कुशल मंगल हैं, आशा है कि तुम भी ठीक होगे। आगे सब समाचार यह है कि जून की भीषण गर्मी में तुमने मेरे ऊपर पर्वतीय प्रदेश ले जाने की कृपा की। इस साल ग्रीष्म अवकाश में मेरे माता और पिताजी ने कहीं जाने का मन नहीं बनाया था, जिस कारण मैं हताश परेशान और उदास था। मुझे तुम्हारे साथ एक ठंडे प्रदेश में जाकर बहुत 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 खुश हूँ मैं। मैं देखो तुम्हारे साथ, देखो सेंटेंस गड़बड़ हो गई ना, दोबारा बोल। मुझे तुम्हारे साथ एक ठंडे प्रदेश में जाकर बहुत खुश था। हम जब सेंटेंस लिख रहे थे तो समझ में नहीं आया क्या लिखे, ऐसा मैं गलती से बोल दिया। हाँ गलती से ना सेंटेंस फॉर्मेशन गड़बड़ हो गई। मुझे तुम्हारे साथ एक ठंडे प्रदेश में जाकर खुशी का अनुभव हुआ या बहुत प्रसन्नता हुई। आगे यह पल मेरे दिल में सदा रहेगा। हमने साथ में काफी मस्ती की और छुट्टियों का आनंद मनाया। मुझे अपने साथ ग्रीष्म अवकाश में पर्वतीय प्रदेश में ले जाने के लिए धन्यवाद। छुट्टियों के ये स्पेलिंग है, छुट्टियों, छुट्टियों नहीं है, छुट्टियों। ओके यस गुरजाप, आपने क्या लिखा बेटा? गुरजाप पढ़ेंगी आप क्या लिखा? गुर्जा आर यू देयर? हो गई है ओके। हाँ जी पनिका। यस मैम। मैम स्टार्ट करो। हाँ जी हाँ जी पढ़िए बेटा। ओके हम सब यहाँ पर कुशल मंगल हैं तथा आशा है कि तुम भी कुशल होगी। आगे समाचार यही कि के द्वारा मैं तुम्हारे प्रति अपना आभार व्यक्त हूँ। मेरे एक बार कहने पर तुम मुझे अपने साथ अपने ननिहाल ले गई थी जो कि जम्मू कश्मीर में है। हमने वहाँ पर बहुत मजा किया। हम सब कई जगहों पर गए जैसे डल झील, वुलर झील, फूलों की घाटी और भी कई जगहें। वहां की हवाएं इतनी शुद्ध और पवित्र थी कि मैं आज भी उन्हें याद कर बहुत खुश होती हूँ। वहां के पानी के बारे में आज भी सोचने से शरीर में कपकपी मच जाती है। मेरे इस वर्ष के ग्रीष्म अवकाश मेरी जिंदगी के अब तक की सबसे अच्छी और यादगार छुट्टियां थी और इन सब चीजों का श्रेय केवल तुम्हें जाता है। इस साल की अगले साल की छुट्टियों में मैं सपरिवार पुणे जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो, बाकी की बातें हम मिलने पर करेंगे। मैम सॉरी मेरा गला खराब है थोड़ा। कोई बात नहीं गुरजाप, आई कैन अंडरस्टैंड बेटा, इट्स ओके। देखो आपने दो शब्द बोले, एक कहा याद कर कर। बेटा कर कर या करके, अब आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर लगेगा। जैसे रमनीक ने बोला था खरीद के, तो मैंने उसे कहा था बेटा खरीद के नहीं होगा, खरीद कर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर याद कर कर नहीं होगा, याद करके मैं खुश हो जाती हूँ। उन छुट्टियों को अभी भी याद करके मैं खुश हो जाती हूँ, ठीक है। और आपने कहा मेरी जिंदगी में अब तक, ठीक है गलत नहीं है, लेकिन आप अगर इसको और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप लिख सकती हैं मेरे जीवन में अब तक, ठीक है।
मेरे जीवन में अब तक की सबसे अच्छी छुट्टियां थी। राइट, बाकी सब ठीक है। हाँ जी पनिका, रीड कीजिए बेटा। मैं यहाँ पर ठीक हूँ और आशा करती हूँ एक मिनट पनिका, आपने जो लिखा है प्रिय मित्र शुभाशीष, गलत है। पहली बात तो शुभाशीष के स्पेलिंग गलत है। शुभाशीष के ये स्पेलिंग होते हैं और हम मित्र को शुभाशीष नहीं लिखते हैं। मित्र के लिए हम नमस्ते लिखते हैं। शुभाशीष का मतलब होता है आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। मित्र को आशीर्वाद नहीं देते हैं, मित्र को नमस्ते करते हैं। ओके, ऊपर बहन के लिए शुभाशीष लिखा है वो ठीक है, मित्र के लिए नमस्ते ठीक है। आगे बढ़िए। मुझे एक बात बताइए पनिका, एक मिनट आई एम सो सॉरी, आपने कहीं से लिखे हैं ये या आपने खुद लिखा है? मैम मैंने खुद लिखा है, कहीं से लिखा। कहीं से लिखा है या खुद लिखा है? खुद लिखा है। ओके ठीक है, चलिए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि वर्डिंग अपनी है या वर्डिंग कहीं से देखकर लिखी है? मैम वर्डिंग मैंने कोई इंटरनेट पे कोई बुक से नहीं ली, लेकिन मेरे मम्मा भी हिंदी टीचर हैं तो मैंने उनकी हेल्प से ये लिखा था। ओके गुड, चलिए लिखिए, बताइए मुझे। मैं यहाँ पर ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि तुम भी सकुशल होगी। मैं कल घर पहुँच गई थी और मुझे तुम्हारे साथ बिताए हुए वे पल याद कर बहुत ही खुशी हो रही थी। मैं तुम्हारे साथ बिताए वे शानदार पल कभी भी नहीं भूलूंगी। मैंने इस पर्वतीय यात्रा कर भरपूर का तुम्हारे साथ इस पर्वतीय यात्रा कर भरपूर आनंद उठाया। इस यात्रा के दौरान तुमने मुझे पूरे पर्वतीय प्रदेश की सैर करवाई। मैं तुम्हारे घर पर भी ठहरी और इस अवधि में तुमने जो मेरी शानदार आभगत की उसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ। मुझे किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो इसके प्रति तुमने तुम्हारे पूरे परिवार ने अत्यंत सचेष्ट तुम्हारा पूरा परिवार अत्यंत सचेष्ट रहा, यह अनुभव करके मैं अत्यंत भावुकुल हूँ। मैं इस पत्र के माध्यम से तुम्हारे समस्त परिवार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आशा है कि तुम अपने वादे के अनुसार अगले मास मेरे यहाँ आओगी और मुझे अतिथि का अवसर प्रदान करोगी। अच्छा लिखा है पनिका। कुछ ऐसे शब्द हैं अवधि, अवधि का मतलब बताओगे मुझे? अवधि मतलब इस अवधि में। पनिका मुझे अवधि का मतलब बताओगे बेटा? इस अवधि में तुमने मेरी जो शानदार आव भगत की, अवधि का क्या मतलब है? इस यात्रा में या इस क्षणों में, उन पलों में। अवधि का मतलब यात्रा नहीं है, अवधि का मतलब है समय। इस समय में उन शब्दों का प्रयोग करें जो आपको पता है। अगर आप पढ़ते हैं, मेरा ये पूछने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं और उसका हमें अर्थ पता होना चाहिए। हमें उसका अर्थ पता होना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं और हम अंधाधुंध शब्दों का प्रयोग ना करें बेटा। जो लिखें समझ कर लिखें। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि राइटिंग स्किल्स पढ़ो, ग्रामर बुक में से पढ़ो। पढ़ने का मतलब यही है, अगर कोई शब्द समझ में नहीं आया तो हमें पता हो उस बारे में। ओके, जैसे ये शब्द है सचेष्ट, तुम्हारा परिवार अत्यंत सचेष्ट रहा। सचेष्ट का क्या मतलब है? समस्त परिवार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। कृतज्ञता ज्ञापित करना, ठीक है। आप आइंदा बेटा जो भी पढ़े प्लीज उसके अर्थ जरूर समझे। लिखा बहुत अच्छा है पर अर्थ समझ कर लिखना। ओके, कल हम संवाद डिस्कस करेंगे। राइट, थैंक यू बेटा।